हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हमें कौन कौन से रिएक्टेंट चाहिए होते हैं स्टूडेंट? हमें क्या क्या सब्सटेंस चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होता है वाटर, हमें चाहिए होता है टी, हमें चाहिए होता है जिंजर, और इन सबको मिक्स करके हम क्या बना देते हैं? एक नया सब्सटेंस। वो नया सब्सटेंस क्या बनती है स्टूडेंट? वो बनता है चाय, जिसे कहते हैं टी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हमने मिक्स किया और उनसे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? एक फाइनली नया प्रोडक्ट मिल गया, वो क्या हो गया? टी। तो ये क्या होगी मेरी एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या कर रहा हूँ, आपस में मिक्स कर रहा हूँ और एक नया प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, और आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें फाइनली मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। जिन्हें मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनली मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे चाय वाले केस में रिएक्टेंट क्या हो गए? हमारी टी हो गई, हमारे शुगर हो गया, हमारे जिंजर हो गया, ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट हो गए। और जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया स्टूडेंट? वो हमारी हो गई टी। ओके स्टूडेंट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ एलिमेंट के थ्रू। केमिस्ट्री में स्टूडेंट हमारे 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से कोई टू एलिमेंट्स हम लेंगे। तो मैं कौन कौन से एलिमेंट लेता हूँ? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Mg, प्लस में ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला MgO। तो मेरा क्या मिला स्टूडेंट हमें? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए? आपस में मिक्स हो रहे हैं और हमारा नया प्रोडक्ट हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, हमें केमिकल रिएक्शन अब कहाँ कहाँ देखने को मिलती है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? हम जब खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो स्टूडेंट वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? कुकिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कुकिंग में बहुत सारी वेजिटेबल्स लेते हैं, उन वेजिटेबल्स को हम मिक्स करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है जो होता है हमारा फूड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। क्या? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन कैसे है? इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट रेस्पिरेशन में? हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? सेल्स के पास। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो वो भी किसके पास पहुंच जाता है स्टूडेंट? सेल्स के पास पहुंच जाता है। तो सेल्स में अब हमारा जो ऑक्सीजन होता है और जो हमारा खाना जो होता है स्टूडेंट, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो फूड होता है स्टूडेंट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट, सेल्स में ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट? आपस में रिएक्ट होते हैं, मतलब आपस में मिक्स होते हैं और हमें क्या देते हैं, क्या देते हैं? वो हमें देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, मेरे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं, है ना, और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। तो मेरा जो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन का, रस्टिंग। जब आयरन को जंक लगता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, जंग कैसे लगता है स्टूडेंट? हम क्या करते हैं,
जो मेरा आयरन होता है उसे हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में जब हम आयरन को रखते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं स्टूडेंट? बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके स्टूडेंट, ये मेनली हमारी पाई जाती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, आयरन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। और जो हमारी हवा में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, वो भी क्या हो जाता है, आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हमारी कौन कौन सी चीज आपस में मिक्स हो रही है स्टूडेंट? आयरन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर। जब ये तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो स्टूडेंट आयरन के ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, बहुत सारे सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक हमें क्या दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या आयरन मिक्स हो रहा है प्लस में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है प्लस में मॉइस्चर, बट बोले तो वाटर। वो कहाँ से मिलता है हमें, वाटर कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हमारी हवा में वाटर होता है ना स्टूडेंट, हमारी एयर में नमी होती है, तो वो वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है। तो हमारा आयरन प्लस में ऑक्सीजन भी हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, मतलब आयरन पे रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से, प्लस में क्या मिल रहा है, वाटर। तो जब ये तीनों चीज आपस में रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें दिखता है कि आयरन के ऊपर एक रेड कलर की लेयर चढ़ गई है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीज मिक्स हो रही है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रस्टिंग क्या करती है स्टूडेंट, नॉलेज के लिए, रस्टिंग क्या करती है स्टूडेंट, जो हमारा मेटल है, जो हमारा आयरन है, उसकी सरफेस को क्या करती है स्टूडेंट, डेटोरेट करती है, खराब करने लगती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे दही कैसे बनती है स्टूडेंट, जब हम मिल्क में, दूध में क्या करते हैं, कोई सोर कर्ड डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट, उससे हमें मिल रही है कर्ड। तो हमने क्या लिया, मिल्क प्लस में हमने क्या लिया, सोर कर्ड इक्वल टू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट, कर्ड मिल गया, हमें दही मिल गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन।